जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री की टीआरसी लेना चाहते हो, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड लेना चाहते हो, तो एक ऐसी कंट्री के बारे में आज हम बात करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा इजी है टीआरसी लेना, सेटल होना, पेपर लेना, और आप आगे यूरोप में सेटल हो सकते हैं। यूरोप में सबसे जो बेस्ट कंट्री है, जो रेजिडेंट परमिट इजीली दे देती है, जहां पे सेटल होना इजी है, डॉक्यूमेंटेशन लेना इजी है, जहाँ पे लेटर ऑन आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी जो है आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जी, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की, जहाँ पे आप जा सकते हैं और जाके टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन वीजा भी एक मैंने वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं किस तरह खुद से वीजा अप्लाई करना है। दूसरा, शेंजन वीजा के बेनिफिट्स क्या है, कितनी कंट्रीज में आपको वीजा फ्री ट्रेवल है, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप वो भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास शेंजन वीजा आ चुका है या आप जाना चाह रहे हो यूरोप में, आप सोच रहे हो कि यार आप जाके कैसे लीगल वे से आप वहां रह सकते हो, विजिट वीजा पे भी जाके आप वहां पे किस तरह टीआरसी अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से वेज हैं, आज ये चार से पांच डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा, आप जाके इजीली वहां सेटल हो सकते हैं। आप खुद भी जाना चाहें, अकेले जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये यूरोप की वाहिद कंट्री है जो हर बंदे को वेलकम करती है, इजीली डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए जाते हैं और इजीली यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, और ये यूरोप की सेफेस्ट कंट्री है। पासपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ का, फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे वर्ल्ड में जो पासपोर्ट भी है, थर्ड नंबर पे सेफेस्ट कंट्री भी है, और अच्छी है रहने के हिसाब से भी, यानी कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो सबसे पहले तो टीआरसी का फायदा ये होता है कि आप यूरोप की सारी कंट्रीज जो शेंजन जोन में आती हैं, सब में आप, अगर आपको टीआरसी मिल जाती है तो आप ट्रेवल कर सकते हो, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप अपनी होम कंट्री में आना चाहो तो आप आ सकते हो। दूसरा ये है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को भी आप जो है वहां पे स्पॉन्सर कर सकते हो, यानी कि बुला सकते हो, क्योंकि ये वाहिद कंट्री है जहां पे आप टीआरसी पे अपने पेरेंट्स को, बच्चों को भी इजीली बुला सकते हो विद इजी टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, जैसे भी आप यूरोप में इंटर हो जाते हो, शेंजन वीजा लेके, किसी भी कंट्री का शेंजन वीजा हो सकता है, यानी कि वीजा लेके आप प्रॉपर तरीके से इंटर हुए हो यूरोप में, चाहे आपने फ्रांस का वीजा लिया है, जर्मनी का लिया है, नेदरलैंड का, इटली का, कहीं भी, स्पेन का, किसी का भी वीजा है, डजन मैटर, आप इंटर हो गए हो शेंजन कंट्रीज में लीगल वे से। ठीक है, आप जो है पुर्तगाल पहुंच जाए, आप वहां जाके टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अकेले हैं या बच्चों के साथ हैं, एक तो ये ऑप्शन हो गया, तो आप जाके पेपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है जी, इलीगल एंट्री होती है, जैसे कि आपको पता है कि लोग डंकी लगा के आते हैं इलीगल वे से, विदाउट वीजा यूरोप में इंटर हो जाते हैं, तो वहां पे उस तरीके से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं और जाके टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर आप लीगल वे से जाते हो, जैसे कि मैंने बताया वीजा लेके एंट्री करते हो, तो उस सूरत में क्या है कि आपको 6 टैक्स, आपकी फिंगरप्रिंट्स जो आपने जाके सेफ्ट में देनी है, वहां तक आपकी जो डेट मिलेगी तब तक मिनिमम आपके 6 टैक्स पे होने चाहिए, तो आपको जो है टीआरसी अप्लाई हो सकती है। आजकल थोड़ा सा टाइम लग रहा है कोविड की वजह से, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल भी लग जाते हैं, लेकिन ये है कि जो लीगल वाले जाएंगे उनको 6 टैक्स मिनिमम, जब फिंगरप्रिंट्स का टाइम आएगा उससे पहले बैग में वो चेक करेंगे, 6 टैक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप ये जो टीआरसी है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इलीगल वालों के लिए क्या होता है कि मिनिमम 12 टैक्स आपने जो है पे करने हैं, तो आप भी ये अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपने वहां देने होते हैं जब आपको ये टीआरसी अप्लाई करेंगे। उसके लिए जो है 4 डॉक्यूमेंट्स, एक तो आपका फाइनेंस नंबर होता है, एक आपका जो है रेजिडेंस का जो प्रूफ होता है, लीगल एंट्री का एक आपने जो है प्रूफ देना होता है, और एक आपका जो टैक्स का, ये 4 पेपर आपने जो है रेडी कर लेने होते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो ये आपको बना के दे देते हैं, ठीक है, उसके इनकी फीस होती है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके, जब भी आपकी डेट आएगी आपने फिंगरप्रिंट्स दे देने हैं। एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, आप लीगल वे से गए हो तो 6 टैक्स आप पे करेंगे, आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। पहले 2 साल की मिलेगी, फिर उसके बाद फिर आप रिन्यूअल करेंगे 3 साल की,
टोटल 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। यानी कि टोटल इलीगल वे से या लीगल वे से कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीआरसी आपकी 5 साल आपने गुजार लिए हैं, टैक्स आप प्रॉपर पे कर रहे हो, लैंग्वेज सीख चुके हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो 5 साल के बाद आप पीआर यानी कि आप जो है सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैक्सिमम 5 से 6 साल के अंदर आप कह सकते हैं कि आपको पुर्तगाल का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जो 4 या 5 नंबर पे आ रहा है वर्ल्ड में, वो आपको 5 से 6 साल में मिल जाएगा। आप जो है ऑलमोस्ट 180+ कंट्रीज में जो है इजीली ट्रेवल कर सकते हो। ठीक हो गया जी, एक तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप वहां पे किसी जो है यूरोपियन से शादी कर लें, जो यूरोपियन जो कि पुर्तगीज नहीं है बट यूरोप की दूसरी कंट्रीज की कोई भी लड़की है या लड़का है, आप उससे शादी कर लेते हैं, तो आपको जो है ये उसकी बिहा पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, या आप वहाँ पुर्तगीज लड़की से शादी कर लेते हैं तो उसकी बिहा पे भी आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। पुर्तगीज लड़की जो कि यहाँ लड़की या लड़का, अगर आप उससे शादी कर लेते हो तो 3 साल के अंदर ही आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप किसी यूरोपियन से करोगे तो अगेन वही है, 5 साल तक आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, टीआरसी की सारी चीजें वो रिमेन सेम रहेंगी। ठीक है जी, इसके बाद ये हो गया। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लिविंग टुगेदर, स्टेइंग टुगेदर का ऑप्शन भी होता है यहाँ पे यूरोप में ज्यादातर। आप अगर वो भी प्रूफ कर सकते हैं, लड़का या लड़की पिछले 2 साल से एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप वो प्रूफ दे सकते हैं तो उसकी बिहा पे भी आप जो है टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी होता है, आप ये भी देख सकते हैं कि एक तो शादी वाला मैंने बताया, चौथा ये है कि आप लिविंग टुगेदर पर लड़का या लड़की है। अच्छा, एक चीज और होती है यूरोप में कि आप इसमें कोई फर्क नहीं, बेशक दोनों लड़कियां रह रही हैं साथ में या दोनों लड़के रह रहे हैं, ये ऑप्शन भी चलता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन यूरोप में ये ओपन है। ठीक है, तो आप लिविंग टुगेदर का भी आप अगर हो, ज्यादातर तो यही है कि लड़का लड़की या लड़की लड़का दोनों जो हैं तो वो भी एक रिलेशन शो कर सकते हैं कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, तो उसकी बिहा पे भी आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि मिनिमम आपने 2 साल एक साथ रहने का प्रूफ जो है वो शो करना है विद इन द पुर्तगाल। ये हो गया जी। इसके बाद जो है पांचवा ऑप्शन थोड़ा सा कॉस्टली है बट काफी लोग वो भी कर रहे हैं, वो ये है कि आप गोल्डन वीजा जो कि यहाँ पे है, गोल्डन वीजा का ऑप्शन है जिसमें आप जो है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 लाख यूरो तक। ठीक है, तो उसमें भी आपको ये है कि पहले साल 2 साल की, फिर उसके बाद 5 साल की टीआरसी मिल जाएगी, उसके बाद आपको जो है पासपोर्ट मिल सकता है, तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये 5 ऑप्शंस हैं अगर आप पुर्तगाल में रहना चाहते हैं, पुर्तगाल में सेटल होना चाहते हैं, पुर्तगाल की टीआरसी लेना चाहते हैं, यूरोप में रहना चाहते हैं, एक यूरोपियन कंट्री का स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पुर्तगाल को एज अ गेटवे यूज किया है पासपोर्ट लेने के बाद, या बहुत सारे लोग तो टीआरसी लेने के बाद भी यूरोप की बड़ी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे पैसा कम है बट डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, पेपर बन जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाता है, तो आपके लिए दुनिया ओपन हो जाती है। आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंट्री में भी वीजा विदाउट वीजा आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बहुत कुछ है पुर्तगाल के ऊपर बात करने को, पुर्तगाल के बारे में बात करने को, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा आपको सूट करता है टीआरसी लेने के लिए, अगर आप यूरोप में जाना चाहते हो या आप ऑलरेडी वहां पे हो, तो ये 5 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको जो सूट करता है उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, टीआरसी ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।